नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल मनीष 90 में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के बीच लेकर के आए हैं टाइप ऑफ सोलर इन्वर्टर सिस्टम। कुछ लोग बताते हैं सोलर सिस्टम, बट सोलर का काम होता है डीसी जनरेट करना। तो जो अपने ऑन सिस्टम जो बोलते हैं, ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड और हाइब्रिड, तो ये तीनों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे काम करता है और इसमें क्या क्या चीज़ आप मैं जैसे कैसे पहचान पाओगे। तो एक एक चीज़ों की जानकारी दूंगा, एक एक चीजें। तो मैं चलते हैं, सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि कौन कौन सा सोलर सिस्टम होता है। देखो जो दोस्तों, ये आप देख पा रहे हो कि अपने थ्री टाइप ऑफ सोलर इन्वर्टर सिस्टम होता है, जिसमें ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर सिस्टम, ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर सिस्टम एंड हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर सिस्टम, ये तीन हो गया। तीनों के बारे में हम एक एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे कि कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, सबसे पहले ऑफ ग्रिड देख लेते हैं। दोस्तों, ये ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम है, और एक चीज मैं और बताना चाह रहा हूँ आपको कि जैसे कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि जैसे ऑफ ग्रिड का मतलब होता है कि जिससे ग्रिड से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें आप देख रहे हो कि हमने यहाँ पे बैटरी का बैकअप दिया है, ये सोलर सिस्टम है, ये ग्रिड है और ये इन्वर्टर है। तो थोड़ा सा हम कुछ और दिखाते हैं आपको, जैसे ये स्लाइड देखो, इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि स्ट्रीट लाइट है, ये भी सोलर सिस्टम है, और ये पंप चल रहा है, ये भी सोलर सिस्टम है। तो ये ऑफ ग्रिड है, लेकिन इसमें बैटरी का बैकअप नहीं है। तो अपने सिस्टम में बैटरी का बैकअप भी होता है ऑफ ग्रिड में, तो मैं उस पर डिस्कस करूंगा एक एक करके। ठीक है, तो ये भी अपना ऑफ ग्रिड में ही आता है, क्योंकि एक सोलर हो गया, एक यहाँ पंप चल रहा है, उसमें एक इन्वर्टर लगा रहता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करके वो चालू कर देता है। तो ये अपना ऑफ ग्रिड में ही आता है। तो हम इसको जो घर में चलते हैं ऑफ ग्रिड सिस्टम, उस पर हम बात करते हैं कि एक हमने यहाँ पे इन्वर्टर लगा दिया। ठीक है, इसमें आप देखोगे इस घर को हमको लाइट सप्लाई करनी है, तो हमारे लिए क्या क्या चीज़ जरूरी है, तो एक सोलर पैनल जरूरी है। तो ये सोलर पैनल हो गया, ये ग्रिड सप्लाई हो गई और ये बैटरी हो गया। तो इसमें क्या है कि यहाँ से हम सोलर से पहले अपने बैटरी को चार्ज करते हैं और घर में यूज करते हैं। कुछ समय बाद ऐसा होता है कि अगर सोलर में प्रॉब्लम आ गई और इसमें क्या होता है कि बैटरी या अपनी चार्ज नहीं है, तो हम अपना ग्रिड से भी पावर ले सकते हैं इसको चार्ज करें। लेकिन इसमें क्या होता है, ये तीर का निशान देख रहे हो, हम ग्रिड से ले सकते हैं लेकिन ग्रिड को दे नहीं सकते। तो ये क्या है, ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम है। ठीक है, इसी टाइप से आपके मैंने दिखाया जो प्रीवियस स्लाइड में, वो भी अपना ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम ही था। दोनों ऑफ ग्रिड सिस्टम में आते हैं। अगर कोई आपको कुछ दिखाता है कि नहीं ऐसे करके वैसे करके, तो ऐसा कुछ नहीं होता। जो हम ऑफ ग्रिड से भी इसमें पावर लेकर के अपने होम को, हम अप्लायंस को चला सकते हैं, तो ये अपने आते हैं ऑफ ग्रिड सिस्टम में। तो चलिए हम ऑन ग्रिड सिस्टम देख लेते हैं। ये देखो, सेम चीजें हमने बनाई है, ये ऑन ग्रिड सिस्टम। तो ऑन ग्रिड सिस्टम में आप उस स्लाइड में देखे थे कि हमारे पास में बैकअप के लिए बैटरी था, इस स्लाइड में आप देख रहे हो कि बैटरी नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसके तहत, तो इसमें क्या होता है कि सोलर होगा और इन्वर्टर होगा और ग्रिड होगा और एक इसमें ग्रीन मीटर लगा रहेगा, और होम को जैसे मतलब कि दिन में हमारे पास सोलर का, जैसे हमने यहाँ पे समझना, थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये अपना 5 किलोवाट का ये सोलर पैनल है। ठीक है, तो हमने 5 किलोवाट हमारी बिजली जनरेट हो रही है ये इन्वर्टर के थ्रू। हमारे घर में कंजप्शन है 2 किलोवाट का, जो 3 किलोवाट जो एक्स्ट्रा होगी उसको क्या करेगा, ये जो है ग्रिड में फीड कर देगा। ठीक है, ये ग्रिड में फीड कर देगा, और जब नाइट का टाइम हो जाएगा तो ये ग्रिड से वापस भी अपना लेगा। तो इसका जो, जैसे ये एप्लीकेशन हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे 24 आवर बिजली रहती हो, बैकअप का जरूरत नहीं है, उस जगह पे हम इसको लगाते हैं। बैकअप लगाने में आप अगर बैटरी खरीदते हो तो लिथियम बैटरी या लेड एसिड बैटरी, कोई भी बैटरी आप यूज़ करते हो, तो कुछ समय के बाद वो ख़राब होती है। जैसे लेड एसिड बैटरी मान लो 3 साल, 2.5 साल, 2 साल, जो भी हो, लेकिन आप अगर लिथियम बैटरी यूज़ करते हो तो उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है उसको ख़राब होने में, उसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है, और उसमें एक चीज़ और होती है कि उसमें कॉस्ट भी ज़्यादा लगता है। तो कहीं कहीं पे इस वजह से नहीं लगाते, वो लेते हैं कि जब हमारा बिजली का बिल है वो मैनेज हो जाए, क्योंकि जब हम सप्लाई ग्रिड को देंगे तो हमारा जो होता है उसमें, ये जो हमारा पावर जनरेट होता है और हम बिजली ग्रिड को देते हैं, हमारा ये माइनस में जाता है। तो इस टाइप से अपना ऑफ ग्रिड ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम काम करता है। जैसे हमने दिन में हमने किया, और हमने जैसे बिजली बोर्ड को हमने सप्लाई करी, और जैसे हमारा जब बैकअप खत्म हो गया तो हमने ग्रिड से
आपने सप्लाई लेकर के काम कर लिया। तो ये ऑन ग्रिड हो गया। अब हम चलते हैं हाइब्रिड सिस्टम में। एक उसी चीज में मैं हाइब्रिड सिस्टम में दिखा रहा हूं। इसे इसमें क्या होता है कि जैसे आपका सेम चीजें हैं, 5 किलोवाट का हमने इन्वर्टर यहाँ पे सोलर सिस्टम लगा रखा है, तो उसमें क्या होगा कि जैसे सोलर सिस्टम 5 किलोवाट का है तो ये चलेगा, दिन में हमारे बैकअप दे रहा है, हमारा कंजप्शन 2 किलोवाट है तो ये दिन में क्या करेगा, इसको ये फीड कर देगा और साथ में बैटरी को भी चार्ज करेगा। अगर नाइट हो गई, अगर हमारे पास बैकअप नहीं है तो हम बैटरी से पहले बैकअप लेंगे, बैटरी से हमारी घर की अपने जो भी चीज़ें हैं वो हम बैटरी से चलाएंगे, उसके बाद में जब हमारा जब बैटरी भी ख़त्म हो जाएगा तो हम ग्रिड से भी पावर ले सकते हैं और इसको पावर दे सकते हैं। तो इस टाइप से सिंक सिस्टम में चलता है। तो ये हाइब्रिड सोलर सिस्टम होता है। थोड़ा थोड़ा सा तीनों में आपका अंतर होता है, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता। तो इस चीज़ को आप बढ़िया से समझ गए होंगे आशा करते हैं। ये हाइब्रिड सिस्टम सोलर का क्या होता है, ऑफ ग्रिड सिस्टम क्या होता है, ऑन ग्रिड सिस्टम क्या होता है। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। अगर आप हमारे वीडियो में नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।